हेलो गाइस, ऐसे ही रखना सीधा। हेलो गाइस, नया दिन नई शुरुआत। सो आज का मॉर्निंग बहुत अमेजिंग हुई है एंड यू नो मतलब लाइक एरिश उसके दादी साहब, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उसके भाई बहनों से पहली बार मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इनफैक्ट वो लिटिल वन को भी पता है कि सब लोग आने वाले थे, वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, कल सोने का नाम नहीं ले रहा था। आई थिंक दो ढाई बजा दिए थे ना इसने। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने मीशू को बोला मैं सो रही हूँ, तुम अभी देखो। तो फिर उसके बाद मीशू उसके साथ खेले और उन्होंने सुलाया, एंड सुबह सुबह 4 बजे उनकी ट्रेन थी तो मीशू उनको पिक करने गए थे। मैं अभी तक जगी थी, बट ऑफकोर्स इसको नहीं जगा सकते तो ये नहीं जगाते, सोया हुआ था। बट बच्चे कहाँ वेट करने वाले थे, तो बच्चे तो आकर इससे मिल गए। देखो बात भी कर रहा है, बच्चे तो आकर इससे मिल गए। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने ली थी, वो आप देख लीजिए, एंड उसके बाद मैं आप इसको सब लोग से मिलाने अभी लेके जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। दिख रहे हैं ना उसको, देखो दादी चा इतने शादी भैया है। बड़ी मम्मी मिलने, तो पहली बार अब एरिस मिल रहा है। खुश हो रहा है, देख पहचान रहा है, देख रहा है। अरे पापा तो भाई मचा देंगे। वाह यार, देख ले भाई। अब वो बड़ा हो गया, उतना छोटा नहीं है, लड़ेगा। खुश हो रहा है ना, वेली नाइस। सुबह सुबह इसका मूड अच्छा रहता है, रात में परेशान हो जाता है थोड़ा। दादी शाह निशु इधर आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, ऑल इधर आ जाओ। निशु को ही पसंद आए सबसे ज्यादा, देखो। दादी ने दिखने चाहिए यार, दादी दिखे दादी। ये तो कौन आया बेटा? बोले पापा, बोले पापा। बोलो दूल चेन्नई पा जाके देखो। कान्हा जी आए हैं, कान्हा जी आए हैं। हाँ आइए, कान्हा जी आइए। हाँ और कान्हा जी आए, तो कान्हा जी आए, कान्हा जी आए। हाँ
नीचू भैया सबसे अच्छे लगे मुझे। कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी माई के साथ। माई ने भी चश्मा लगाया, मैंने भी और रिचू भाभी ने भी चश्मा लगाया है। नीचे जाएंगे तो जैसा कि कल मैं आपको ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज यू नो इतने टाइम पर हम सब लोग मिले थे तो बातों में और बहुत मस्ती किया हम लोग सब, भूल गए खाने भी गए। मैं वहाँ शूट करती बट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन ही ले जाना भूल गई थी। बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, बच्चे एकदम शैतानी कर रहे हैं। उनकी शैतानी में आप लोग को टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या करते हैं। एंड आज इतू 4 मंथ्स का हो गया है, गॉड ब्लेस हिम। तो यू नो सब लोग हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है। तो इसलिए जो अभी तक थर्ड बर्थडे हमने कोई भी सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज ये लगता है कि वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या समझेगा केक एंड ऑल। तो यू नो हम लोग जस्ट एक छोटा सा फोटोशूट कर लेते हैं, दैट्स इट। बट इस बार सब लोग हैं, किड्स हैं, उसके बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, दादी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए। तो सब लोग डगलू सेठ हलवाई मंदिर के जा रहे हैं, इधर उसकी बड़ी मम्मी है, बड़े पापा हैं और दादी शाह हैं और मीशू सारे बच्चों को लेके इंक्लूडिंग हेतु नीचे चले गए ऑलरेडी। तो बस अभी हम लोग रेडी होते हैं, मतलब बोर्ड होते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं। माँ का थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ और आने के बाद छोटा सा केक कटिंग करेंगे हम सब लोग सिर्फ घर घर के, एंड कुछ अच्छा सा खाना खाएंगे। ऑफकोर्स वो तो हम रोज ही खाते हैं तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी और आगे क्या क्या होता है वो बताऊंगी। ऑल द बच्चे पार्टी इज हियर। 4514 जे जे के पाँच चलो पूरा हैदराबाद का फुलपुर है ना, कारण कभी आई नहीं आई रात में लोग चलो रोज होते हुए ले रही हूँ मैं गणपति बप्पा। ओके तो हमारे दर्शन हो गए एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी ऑफकोर्स, तो हमने कुछ शेयर नहीं किया। तो हेयर इज द लिटिल बग, गणपति जी के आज दर्शन करके आया है बेटू हमारा, ये देखो। अरे नहीं खाते नहीं है इसको, और इसको ये मस्त पहना दिया इसको पापा जी के, जो वहाँ पे पुलिस जो गार्ड्स रहते हैं उन्होंने इसको गोदी में लेके पापा जी के पैरों में भी ले जाके दर्शन करवाया। और ये देखिए पीछे इधर हैं, कैसा लगा माई दर्शन करके पापा के? अच्छा लगा। तो बस इस कैब में हम लोग एज यूजुअल जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और दूसरी कैब में वो सब लोग बैठ गए हैं और वापस से घर जा रहे हैं बिकॉज यू नो आयुष के साथ है तो उसको परेशान करना, इवन आई वॉन्ट कि छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, मज़ा आता है। जो बाहर जाते जब भी हम छोटे थे तो हमको भी बड़ा मज़ा आता था, लेके चलेंगे तो कुछ खाएंगे, लेकिन आयुष को इतना ज़्यादा घुमाना अभी यू नो नॉट सेफ बिकॉज उसको कभी भी भूख लग सकती है एंड ही फील्स अनकम्फर्टेबल ऑफ कोर्स एनी टाइम। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर मे बी प्रोबेबली कभी और दो चार दिन में हम लोग फिर देखते कहीं जाएंगे तो बच्चों को घुमाएंगे और फिर खिलाने पिलाने लेके जाएंगे। अभी मैं इसको अटेंड करती हूँ एंड बाद में आपसे मिलती हूँ। रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, हमने रोक के सपने गन्ने का रस पिया। देखो रितिका को तो मूंछ भी बन गई और हमारे नन्हे जनाब तो सो गए। देखो गोदी में, अब मैं इसको सोच रही हूँ सीधा ले लूँ लेकिन ये सीधा लेने में उठ जाएगा और अगर ये उठ गया तो बहुत रोएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको ऐसे ही सोने दूँ या फिर गोदी में सीधा ले लूँ। वो सब लोग जूस पी रहे हैं, देखिए बब्बू भैया, मीशू,
निशांत है हम लोग पी चुके हैं, बस अब तुरंत घर पहुंचते हैं और आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और ये दादी की तरफ से अरे ऐसे नहीं, गुड्डू माई पकड़ो एक तरफ से, ले लो ले लो ले लो, ले लो फर्स्ट केक कट कर ले आज तो। हैप्पी फॉल मंच टू यू, हैप्पी फॉल मंच टू यू। आपका उंगली आ रही है बेटा, नहीं आ रही क्या? माई के लिए हम लेकर आए हैं गर्मा गर्म नहीं ठंडा केक, खिलाओ तारा माई को बच्चे के 4 महीने के बर्थडे पे। बहुत बहुत मुबारकबाद माई को हमने केक खिलाया, माई भाग गई। इधर हमारा इतू एंजॉय कर रहा है, ये तो खाना चाह रहा है, मेरे को खिला दो। दादी नहीं खा रही है क्या? नहीं, दादी का मुझे दे दो। तो केक कोई नहीं खा रहा है, नहीं सबने खा लिया एक्चुअली। माई के हिस्से का केक है और माई सबको इधर उधर खिला दी। कहाँ गई है गुलाब घर? माई खा है ना, हमने हमारी मैंने तो आपने तो कहा जी चॉकलेट खा लेती हूं, तो कुछ चॉकलेट के खा ले ना, कॉल पूजा के हारे हमरे समझाए। बासुंदी लाऊं? बासुंदी बासुंदी दे दो इनको, बासुंदी लाऊं? बासुंदी खा लेगी तुम, खाओ बासुंदी, रवड़ी के तरह होगा, खा ले तू। ठीक है लेकर आती हूं। ये कौन खाएगा? ये स्मृति का खा लेगी, हम के खा लेते हैं। वेरी गुड, सुशांत को भी खिला सकती है। कहां तक आया है? सीधा रखो ना। तो माई ने स्टेराई तो बनाते ब्लॉग में ऐसे तो माई ने केक नहीं खाया, तो मैं माई के लिए लाई हूँ गर्मा गर्म नहीं एकदम ठंडी ठंडी बासुंदी। भाई आपके पोते का 4 महीना कम्प्लीट होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। खाइए तालियां, माई ने फाइनली कुछ खाया, तालियां। और दर्शक भी देखने आ रहे हैं इस बात को, इधर आओ सुशांत और दर्शक को भी दिखाओ, दर्शक देखने आ रहे हैं। माई को दिखाओ, माई कैसा लगा? हाँ बताइए, हम बताए कैसा लगा? रबड़ी बना के रखी थी, मिला अंडा मुझे भी खिला दो यार जी। बस बंद कर दो। एक बार पता नहीं किसका बर्थडे, मेरा एनिवर्सरी का बर्थडे। और इवनिंग में हम लोगों ने उसका 4 मंथ्स बर्थडे सेलिब्रेट किया था, एक बहुत अमेजिंग सा केक बनाया, वो देखिए आप। और यू नो उसका जो ड्रेस था उससे बिल्कुल मैचिंग एंड सब लोगों ने मिलके काफ़ी इन्जॉय किया, उसको हमने फोटोशूट किया एंड यू नो लास्ट में उसने केक स्मैशिंग भी कर दिया। देखिए उसको रखा तो उसने मस्त कर दिया एंड वी वर वेरी केयरफुल कि वो खा नहीं ले बिकॉज यू नो बच्चों की आदत होती है खाने का। नेक्स्ट डे हम लोग मॉल में गए तो वहाँ के कुछ क्लिप्स देखिए।
तो ये ब्लॉग था जब इतु से सब लोग मिले और इतु का 4 मंथ का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को भी अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं जब हम सब ने मिलकर फुली इंजॉय किया और बहुत कुछ मज़ा किया। उसके लिए स्टे अपडेटेड, बाय बाय।